For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हिमेश रेशमिया ने सलमान खान के लिए कई गानों पर काम किया है और इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर हमें प्रेम रतन और जुम्मे की रात जैसे नायाब गाने दिए हैं। हिमेश और सलमान की दोस्ती को आज कई साल बीत चुके हैं और अब वो सलमान खान की अगली फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई के लिए भी गाने वाले हैं और हिमेश चाहते हैं कि उनके बाकी नंबर्स की तरह ये गाना भी सुपरहिट रहे। सलमान खान के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए हिमेश ने कहा था कि सलमान काफी इंस्पिरेशनल है और उन्होंने मुझे कई बार मोटिवेट भी किया है। हिमेश ने आगे ये भी कहा कि जब वो फिल्म तेरे नाम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब सलमान ने उनसे कहा था कि 150 हिट्स तो हर कोई देता है पर तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। हिमेश ने सलमान भाईजान की इस बात को गांठ बांध ली और आज भी वो अपने हर गाने पर पूरी तरह से फोकस रहते हैं और आज वो इंडस्ट्री के बढ़ते प्रेशर को बड़ी आसानी से झेल लेते हैं। वेल तो फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई के साथ सलमान और हिमेश का कोलैबोरेशन को आगे बढ़ता देखने के लिए हम सब तो काफी एक्साइटेड हैं और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। सलमान खान की फिल्में बहुत ही बड़े बजट की होती हैं, हम सभी जानते हैं, और उतना ही रिकवर भी करती है फिल्म रिलीज होने के बाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधे, जी हाँ, द मोस्ट वांटेड भाई प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, गौतम गुलाटी, सलमान खान, ये सभी लोग एक साथ एक ही फ्रेम में आने वाले हैं, एक ही साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं, राधे में ऑफकोर्स। और राधे का हाल ही में एक सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहना है कि राधे के क्लाइमैक्स सीन के लिए 7.5 करोड़ का बम्पर बजट, वो भी सिर्फ 20 मिनट के शॉट के लिए। कैन यू बिलीव दैट, नॉट फॉर द होल फिल्म, अगर सिर्फ 20 मिनट के क्लाइमैक्स के लिए, 20 मिनट के क्लाइमैक्स में एक VFX का शॉट लिया जाना था जिस पर 7.5 करोड़ का खर्चा किया है सलमान खान ने। जी हाँ, 7.5 करोड़ में उस VFX के थ्रू उस क्लाइमैक्स सीन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा किया गया है सिर्फ 20 मिनट के फुटेज के लिए। तो कहीं ना कहीं देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये क्लाइमैक्स जो है पूरी फिल्म को ओवरलोड कर देता है। और अगर क्लाइमैक्स 20 मिनट का इतना सॉलिड बम्पर हैवी है तो सोचिए कि फिल्म कितनी हैवी होगी। तो वेरी 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 मच एक्साइटेड फॉर द फिल्म एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मैं वेट कर रही हूँ राधे का, क्योंकि सलमान खान अपने मोस्ट वांटेड अवतार में वापस से नजर आने वाले हैं। एंड क्लाइमैक्स के लिए, क्योंकि इतनी खबरें आ रही है, अगर क्लाइमैक्स के लिए इतना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, VFX यूज किए जा रहे हैं, 20 मिनट का क्लाइमैक्स का सीन होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, तो सोचिए कि फिल्म में कितना ज्यादा और मसाला एडेड होगा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। अरे वाह वाह भाई, सलाम अलैकुम। 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 चल गोल से हरिया हरिया बीच में साइड पीछे हो जाए सर, सर इधर से फोटोग्राफर यहाँ कोई मत आना, बस बस इधर हो जाओ। थैंक यू सर। हेलो हेलो घर के अंदर एंटर हो चुकी हैं हिमांशी खुराना। यस, वी लाइक इट। यस, हिमांशी खुराना फाइनली घर के अंदर आ चुकी हैं और उनकी एंट्री के बाद अब बहुत जल्द हिमांशी जो हैं वो आसिम रियाज को प्रपोज करने वाली है। कल हमने प्रोमो देखा कि आसिम जो है उन्होंने हिमांशी को प्रपोज किया है और अपने ही अंदाज में उनसे कहा है दैट शी इज द ओनली वन जिनके लिए वो ऐसा फील कर पाए हैं आज तक। लेकिन अब हिमांशी घर के अंदर जा चुकी हैं, आसिम के लिए आई हैं, वो आसिम की उनका कनेक्शन बनकर आई हैं, तो ऐसे में आसिम को हिमांशी प्रपोज करती है।
जी हाँ, इसका फुटेज अभी तक नहीं आया है, लेकिन आज के एपिसोड में हम देखने वाले, क्योंकि सभी घर वाले एंटर करने वाले हैं घर के अंदर, और कश्मीरा से लेकर यू नो हिमांशी से लेकर विकास गुप्ता से लेकर देवोलीना से लेकर हर कोई जो है घर के अंदर आने वाला है। सो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि घर में किस तरह की हलचल होती है। शहनाज के भाई शहबाज आने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट बढ़ जाएगा, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन, और माहिरा के भाई आने वाले हैं। ऐसे में हिमांशी का प्रपोज करना सभी के सामने कहीं ना कहीं एक नेशनल हैप्पीनेस का मुद्दा बन जाएगा, बिकॉज सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंगली वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हिमांशी जब आसिन को प्रपोज करेंगी, क्योंकि ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पर इसको अंजाम भी मिलेगा। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर, ये आप लोग मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। शहनाज गिल के बर्थडे पर सिद्धार्थ शुक्ला ने दिया है उन्हें बड़ा सा सरप्राइज, जी हाँ, और हम सबको खुश कर दिया है। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। और बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल यानी सिडनाज की जो लड़ाई चल रही थी वो फाइनली सॉर्ट आउट हो चुकी है। और कल हमने ये देखा भी, कल के एपिसोड में जिस तरीके से सिद्धार्थ ने कहा कि यू नो मैंने नॉमिनेशन में आरती को बचाया, तुझे हर्ट हुआ, जो भी सारी चीजें थी एक्स वाई जेड, ऐसे में शहनाज ने जब उनसे पूछा कि क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं कल बताऊंगा, कल यानी कि कल। और जब कल आया यानी कि 27 की रात आई, रात के 1:30 बजे जब ये लोग बात कर रहे थे बेड पर लेटकर, वहां पर सिद्धार्थ ने कहा कि आज तेरा बर्थडे भी है मोटी, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुझे कि किस तरीके से मैंने यू नो मैंने सोचा था कि पहले मैं आरती का प्यादा आगे करूंगा, उन्हें सेव करूंगा, और उसके बाद मैं सेव करूंगा तुझे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं शहनाज के दिल में जो एक गलत फहमी थी, शहनाज के दिल में जो एक तकलीफ थी, वो दूर हो गई उनके बर्थडे के दिन पर, और सिडनाज आर बैक टुगेदर ऑन शहनाज गिल्स बर्थडे, वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और अब घर में विकास गुप्ता की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि सिडनाज को मिलाने का पूरा जिम्मा अपने सर पर लेके गए हैं फ्रॉम द फैंस। तो कहीं ना कहीं वेरी मच एक्साइटेड अब आगे और क्या होगा ये देखने के लिए। तब तक के लिए दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, जी हाँ, स्वैग से स्वागत करने के लिए वापस रेडी हो जाइए, क्योंकि टाइगर फ्रेंचाइज वापस आ रही है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि टाइगर फ्रेंचाइज, जी हाँ, सबसे पहले एक था टाइगर, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई टाइगर जिंदा है, बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दी थी इस फिल्म ने। दोनों ही फिल्में ऑफकोर्स कबीर खान और यू नो अली अब्बास जफर, इन दोनों ने इन फिल्मों को डायरेक्ट किया, सुपर डुपर हिट रही फिल्में। लेकिन अब आ रही है टाइगर 3, जी हाँ, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, टडा टडा टडा, एनी गेसेस? इस फिल्म को ना ही कबीर खान और ना ही अली अब्बास जफर, ये दोनों ही लोग इस फिल्म को डायरेक्ट करने नहीं जा रहे, बल्कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रभु देवा। अब फाइनली ये बात जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बात कंफर्म है कि प्रभु देवा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। उसके पीछे रीजंस हैं, बिकॉज काफ़ी फिल्में ऐसी होती हैं यू नो जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, टिपिकल मसाला फिल्म्स जो अच्छी लगती हैं दर्शकों को। ऐसे में दबंग की अगर मैं बात करूँ, दबंग 1-2 के बाद दबंग 3 को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनी थी। उसके बाद फिल्म राधे मोस्ट वांटेड भाई भी आ रही है, जिसका बस बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत एक्साइटेड है, प्रभु देवा उस फिल्म को अगेन, प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म को। और उसके बाद कहीं ना कहीं ट्यूबलाइट कबीर खान ने बनाई थी और अली अब्बास जफर ने भारत में काम किया, तो ट्यूबलाइट और भारत उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, क्रिटिकली अक्लेम्ड नहीं रही जितना बाकी की पिक्चरें रही, जिसके वजह से इस रीज़न से सलमान जो हैं वो चाहते हैं कि प्रभु देवा, जो कि प्रभु देवा क्योंकि हाल ही में सलमान के करंट फेवरेट हैं, और प्रभु देवा को वो चाहते हैं कि प्रभु देवा इस फिल्म को डायरेक्ट करें, और टाइगर में हमें ऑफ कोर्स कैटरीना और सलमान की जोड़ी वापस देखने को मिलेगी और प्रभु देवा के डायरेक्शन के अंडर। तो अब इस पर आपका क्या कहना है, और आप लोग टाइगर 3 के लिए, क्योंकि टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है टाइगर हमेशा से, सो आपका क्या कहना है इस चीज़ पर, आप लोग बताइए। और क्या आपको लगता है कि प्रभु देवा के डायरेक्शन के बाद ये फिल्म और ज़्यादा सुपर डुपर हिट होगी, अनदर लेवल पहुँचेगी? अगर हाँ तो कॉमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। बिग बॉस वीकेंड कबार पर स्ट्रीट डांसर 3D की स्टार कास्ट नजर आई, जी हाँ, राघव जुआल, सलमान और साथ ही साथ पुनीत, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, रेमो डिसूजा, हर कोई नजर आया, ये सभी लोग स्ट्रीट डांसर 3D को प्रमोट करते नजर आए बिग बॉस के घर में, और वरुण धवन और श्रद्धा कपूर और रेमो डिसूजा घर के अंदर भी गए। अब ऐसे में घर के अंदर जाकर ऑफकोर्स वरुण ने आसिम और सिद्धार्थ दोनों के साथ ही काम किया है, तो ऐसे में उन्होंने उनसे काफी बातें की, उनके बारे में काफी बातें शेयर की। उसके बाद जब घर से बाहर आए तो गर्मी का जो गर्मी ट्रैक है उसका जो एक पॉपुलर स्टेप है, हिप स्टेप, यू नो बट स्टेप,
जो कि नौरा फतेही ने किल कर दिया है, लिटरली शी इज किलिंग इट। एंड जिस तरीके से उन्होंने वो स्टेप किया है, उसी तरीके से सबने गर्मी फीवर जो है पूरे बिग बॉस के घर में छा गया वीकेंड का वार पर। सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर आसिम रियाज से लेकर विशाल से लेकर पारस से लेकर हर किसी ने इस स्टेप को परफॉर्म किया, और यहाँ तक कि सलमान खुद, राघव जुयाल और साथ ही साथ वरुण धवन, सलमान खान खुद ये स्टेप करते नजर आए, और राघव ने कोई कमी नहीं छोड़ी मस्ती का तड़का लगाने में, जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेप किया और सभी लोगों ने वहाँ पे बड़ा एंजॉय किया। तो ये मस्ती, मौज मस्ती जो बिग बॉस के सेट पर हुई है स्ट्रीट डांस और 3D से रिलेटेड, ये मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी आप लोग देख के मुझे बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।